दो में लेसन तीन चैप्टर है विद्युतीय यंत्र, जिसका एक वीवीआई टॉपिक है आपको मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, जिसे सस्पेंडेड क्वाइल गैल्वेनोमीटर भी कहा जाता है, हिंदी में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या निलंबित कुंडली गैल्वेनोमीटर। और इस यंत्र का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसी विद्युत परिपथ में धारा उपस्थित है या नहीं उसका पता लगाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा, कौन सा गैल्वेनोमीटर, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है या किसका पता लगाया जाता है, तो क्या बोलिएगा, धारा की उपस्थिति का, विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का। गैल्वेनोमीटर मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या बोलिएगा, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसकी पता लगाई जाती है, तो क्या बोलिएगा, विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बनावट में इसमें ये दो चुंबक के बीच रहता है, एक चुंबक नॉर्थ पोल और दूसरा का साउथ पोल। इस चुंबक के बीच में एक कुंडली होती है और ये कुंडली आयताकार होती है, जिसका नाम दे दिए ABCD। ABCD जो है ये आयताकार कुंडली है। ABCD क्या है, आयताकार कुंडली है। और यह कुंडली जो है अस्थाई चुंबक के दो ध्रुव, एक नॉर्थ पोल और एक अस्थाई चुंबक के ध्रुवों के बीच, है ना, बिना चुंबक के बीच, चुंबक को बिना स्पर्श किए, चुंबक से संपर्क में नहीं रहता है, चुंबक को स्पर्श नहीं करता है, बिना स्पर्श किए यह फॉस्फोर ब्रॉन्ज की एक बारीक तार F द्वारा लटकी रहती है। ये जो है एक तार के द्वारा, ये जो है ये तार है, ये क्या है, और ये बहुत पतली तार है, बारीक तार है, किसका बना होता है, तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज का, है ना, फॉस्फोर ब्रॉन्ज का तार मजबूत होता है, पतला भी रहेगा तो मजबूती ज्यादा होगा, इसलिए फॉस्फोर ब्रॉन्ज के एक बारीक तार के द्वारा ये लटका हुआ रहता है। समझ में आएगा, बीच में कुंडली, कैसा कुंडली, आयताकार, दोनों बगल मतलब एक चुंबक का नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, चुंबक के संपर्क में नहीं रहता है, है ना, बिना स्पर्श किए रहते हैं। और ये कुंडली तब रहेगा कैसे, तो लटका हुआ रहता है किसके द्वारा, फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बारीक तार के द्वारा। इसके बाद इसका ऊपरी सिरा जो ये देखते हैं, जिसे हम टी लिखे हैं, ये एंटन शीर्ष पर तार लपेटा हुआ रहता है, है ना, इसलिए इसको एंटन शीर्ष बोलेंगे। तार का ऊपरी सिरा जो है एंटन शीर्ष टी द्वारा जुड़ा रहता है। कुंडली से ये हो गया कुंडली, ABCD क्या हो गया, कुंडली हो गया। इससे थोड़ा ऊपर ये एक दर्पण लगा होता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण रहता है, कौन सा दर्पण, और अस्थाई डाल चुंबक का जो ध्रुव है, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये आपको नरम लोहा का बना होता है, किसका बना होता है, जिसे क्रोड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर के बारे में पूछेंगे तो बोलिएगा, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। हो गया याद, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्या है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर वह युक्ति है जो विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। बताइएगा तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्या है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, हो गया यार, फिर से रिपीट कीजिए। तो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर क्या एक युक्ति है, एक डिवाइस है, जिसका उपयोग किसके में किया जाता है, विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर द्वारा माप की जाती है या पता लगाई जाती है, रहेगा विभवांतर की उपस्थिति का,
धारा की उपस्थिति का प्रतिरोध की क्षमता का स्टेटस ऑप्शन दे देगा। तो धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए मूविंग कॉइल, और इसका नाम है चल कुंडली कैल्विनोमीटर भी, मतलब ये चलने वाले हैं, है ना। मूविंग मतलब क्या, मूविंग करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, मूविंग करते। कार्य सिद्धांत में पढ़ेंगे मूविंग कैसे करता है। बनावट में कुछ नहीं, एबीसीडी एक आयताकार कुंडली है। एबीसीडी क्या है, इसलिए बनावट में लिखेंगे मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर में एबीसीडी एक आयताकार कुंडली होती है। एबीसीडी क्या है, एक आयताकार कुंडली होती है। यह कुंडली एक अस्थायी नाल चुंबक के, ये जो एन और एस लिखे हैं ये अस्थायी नाल चुंबक का ध्रुव है। किस चुंबक का, अस्थायी नाल चुंबक का ध्रुव एन और एस के बीच। चुंबक को बिना स्पर्श किए, चुंबक को बिना फॉस्फोर ब्रॉन्ज के एक बारीक तार द्वारा लटकी रहती है। यह कुंडली कहां रहती है, यह कुंडली एक अस्थायी नाल चुंबक, यह कुंडली एक अस्थायी नाल चुंबक के ध्रुव एन एवं एस के बीच, किसके बीच, चुंबक को बिना स्पर्श किए फॉस्फोर ब्रॉन्ज के बारीक तार द्वारा लटकी रहती है। अब लटका हुआ स्पर्श कर लेगा तब तो मूविंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, लटका हुआ रहता ताकि ये मूविंग करते रहे। इसका तार का ऊपरी सिरा जो है ये एंटन सिरसेटी, इससे ये जुड़ा रहता है। इस तार का ऊपरी सिरा किससे जुड़ा रहता है, एंटन सिरसेटी से जुड़ा रहता है। कुंडली से थोड़ा ऊपर क्या रहता है, अवतल दर्पण लगा होता है। कुंडली से थोड़ा ऊपर अवतल दर्पण लगा होता है, और अस्थायी नाल चुंबक का ध्रुव किसका बना होता है, नरम लोहा का। परीक्षा में पूछ देगा अस्थायी नाल चुंबक का ध्रुव किसका बना होता है, क्या बोलिएगा, नरम लोहे का, जिसे हम क्रोड कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं। तो मूविंग कॉइल कैल्विनोमीटर जो कार्य करता है सिद्धांत पर, तो चुंबक के बीच कुंडली होती है, और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। क्या क्या आता है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तो विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के पारस्परिक क्रिया कारण जो है एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कौन सा कार्य करता है, और बल युग्म जो है वह कुंडली को घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के लंबत लाने की चेष्टा करता है। तो कार्य सिद्धांत में लिखिएगा, जब किसी कुंडली को प्रबल चुंबकीय, प्रबल एवं अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में लटका कर, इसमें रखेंगे प्रबल और अस्थायी, यदि कम पावर का चुंबक होगा तो यह मूविंग नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रबल चुंबक और अस्थायी चुंबक में लटका करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। क्या प्रवाहित करता है, अब जब चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र है, अब विद्युत धारा प्रवाहित किए, इस दोनों के प्रभाव से एक वॉल्यूम कार्य करने लग जाता है। तो लिखेंगे प्रवाहित की जाती है, तो विद्युत धारा एवं चुंबकीय क्षेत्र की पारस्परिक क्रिया के कारण, पारस्परिक क्रिया के कारण कुंडली पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। कुंडली पर एक जो कुंडली को घुमाकर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने की चेष्टा करता है। कुंडली को यह करता क्या करेगा, घुमाना शुरू कर देंगे और घुमा करके चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लाने का चेष्टा करता है, है ना। अब जब चेष्टा करेगा घुमा करके तो करंट का पता चलना शुरू हो जाए, जब मूविंग करना शुरू हो जाए पता चले करंट है या नहीं है। माना कि आयताकार कुंडली एबीसीडी की लंबाई एल, चौड़ाई बी, चौड़ाई बी एवं क्षेत्रफल ए है, एवं क्षेत्रफल ए है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में विक्षेप होती है, कुंडली के विक्षेप को थीटा मान लीजिए। देखिए माना कि कुंडली का विक्षेप थीटा, हाँ नीचे से माना कि कुंडली का विक्षेप थीटा है,
विक्षेप थीटा है। देयरफॉर विक्षेप टॉर्क युग में जो बल युग्म या टॉर्क युग्म होगा वह हो जाएगा आई एल बी या गुना बी। आई हो गया विद्युत धारा, एल हो गया लंबाई, बी हो गया चुंबकीय क्षेत्र और स्मॉल बी हो गया चौड़ाई। अब देखिए लंबाई गुने चौड़ाई को क्षेत्रफल बोलेंगे, लंबाई गुने चौड़ाई को क्या बोलेंगे, तो यह हो जाएगा आई बी क्षेत्रफल को डिनोट करेंगे ए से, आई बी ए हो गया। फेरों की संख्या को मान लीजिए एन, यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन हो तो कुल विक्षेप टॉर्क कितना हो जाएगा, कुल विक्षेप टॉर्क टोटल निकालिएगा तो एन से गुना कर दिए एक में इतना हो जाएगा, यह हो जाएगा एन गुना आई बी ए। कुंडली को लटकाने वाले तार में यदि कुंडली को लटकाने वाले तार में प्रति रेडियन एंठन से उत्पन्न प्रति रेडियन एंठन से उत्पन्न वॉल्यूम सी हो तो उत्पन्न वॉल्यूम सी हो तो थीटा कोण एंठन के लिए बल युग्म बराबर बल युग्म टोटल सी माने है थीटा कोण एंठन है सी गुना थीटा टोटल हो जाएगा सी थीटा। और संतुलन अवस्था यदि निकालने तो पहले जो है वॉल्यूम कितना आ गया, संतुलन अवस्था में पहले वॉल्यूम था एन गुना आई बी ए, अब हो गया सी थीटा एन इंटू आई बी ए, संतुलन अवस्था में होगा तो बराबर हो गया सी थीटा। और यदि आप आई बराबर व्यंजक निकालते हैं तो आई बराबर हो गया आपका सी थीटा अपॉन में हो जाएगा एन बी ए एन बी ए। और इस एन बी ए को सी बाय एन बी ए को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है, जहां सी बाय एन बी ए इज़ इक्वल टू गैल्वेनो कांस्टेंट। गैल्वेनो मीटर कांस्टेंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट सी बाय एन बी ए को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया आई इजकल टू हो गया, देखिए सी बाय एन बी ए कांस्टेंट हो गया तो बचा गया थीटा, तो कह सकते हैं आई समानुपाती हो जाएगा थीटा। आई समानुपाती किसका होगा थीटा का होगा और समानुपाती से हटेगा या कांस्टेंट है, कांस्टेंट को पहले के मान लीजिए या सी बाय एन बी ओ के इंटू थीटा के थीटा, कांस्टेंट जब हटेगा तो डायरेक्ट कर दीजिएगा समानुपाती, आई समानुपाती क्या हो गया थीटा हो गया। अतः चल कुंडली गैल्वेनोमीटर अतः चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा के मान का समानुपाती होता है।
कुंडली में प्रवाहित धारा के मान का समानुपाती होता है। तो आई बराबर हो गया के थीटा और के हटाइएगा तो समानुपाती साइन दीजिएगा आई समानुपाती थीटा। तो कहने का मतलब हो गया गैल्वेनोमीटर में जो विक्षेप उत्पन्न होगा ये थीटा हो गया विक्षेप, जो विक्षेप उत्पन्न होगा वह धारा का क्या होगा समानुपाती होगा। तथा लिखेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कुंडली में प्रवाहित धारा के मान का समानुपाती होता है। ऑब्जेक्टिव में दे सकते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में विक्षेप समानुपाती होता है प्रतिरोध का धारा का विभवांतर का इनमें से भी। याद देखिए धारा का क्या होगा समानुपाती होता है, धारा का समानुपाती।